Today we are going to do the study from Galatians chapter 5 verses 13 to 26. आज हम गलातियों का पांचवा अध्याय उसका 13 से 26 तक हम अध्ययन करेंगे. So you can say that the title of this section is serious practical godliness. और इस जो अध्ययन है इसका शीर्षक हम कह सकते हैं कि गंभीरता से जो भक्ति है उसके पीछे चलना. एंड दैट इज द बेस्ट वेपन अगेंस्ट फॉल्स टीचिंग और फॉल्स गॉस्पेल. और यही एक हथियार है हमारे पास जो झूठे जो शिक्षा है उसके विरुद्ध. सो व्हेन वी लिव अ गॉडली लाइफ इट डिफीट्स द फॉल्स टीचिंग्स. जब हम भक्ति में जीवन जीते हैं तो वो जो है झूठे जो शिक्षा है उसके विरुद्ध एक हथियार के समान हो जाता है. बिकॉज अ फॉल्स गॉस्पेल और अ फॉल्स टीचिंग कैन नॉट प्रोड्यूस अ गॉडली लाइफ. क्योंकि जो झूठे शिक्षा है वो एक भक्तिमय जीवन वो उत्पन्न नहीं कर सकता. सो वी वर सीइंग लास्ट टाइम फ्रॉम वर्सेस 1 to 12 दैट अबाउट द फ्रीडम दैट इज देयर इन क्राइस्ट. पिछली बार हमने देखा कि जो यीशु मसीह में जो हमें आजादी है उसके बारे में. एंड दैट वी शुड स्टैंड फर्म इन द फ्रीडम. और हमें उसमें स्थिर होकर रहना है. So now verse 13 says, for you are called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो. So, we have definitely been called to a freedom in the Christian life. हम ख्रिस्ती होने के नाते हम स्वतंत्रता की ओर हमारी बुलाहट है. But that freedom does not mean that we can do whatever we want. लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि जो भी हम चाहे हम वो करें. Meaning, we can do whatever we want, we can say whatever we want, that is not just like that. इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो भी चाहे हम कर सकते हैं और हम जो भी चाहे हम बोल सकते हैं. But this freedom is not to give an opportunity to our flesh to do anything. That is not the freedom. स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम अपने शरीर को जो कुछ वो चाहे उसे करने का मौका दे. Well, we'll see what is the capability of our flesh. क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो किस काबिल है. But they are called to have freedom to serve one another with love. लेकिन जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका हम इस उसे हम इस चीज के लिए उपयोग करें कि हम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें. Because this teaching or this gospel, the true gospel, is a teaching unto godliness. ये जो सीख जो हमें मिल रही है वो इसलिए है कि हम भक्ति में आगे बढ़े. So that's why this freedom is to live a godly life. तो जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो हमें भक्तिमय जीवन जीने के लिए हमें मिली. And to be free from the law. और हम जो है व्यवस्था से हम आजाद हो. And be under the guidance of the Holy Spirit. और हम जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अधीन में रहें. The Apostle Peter also says about the freedom. और प्रेरित पौलुस पत्रस भी इस आजादी के बारे में कहते हैं. 1 Peter chapter 2 verse 16. पहला पत्रस दूसरा
अध्याय और उसका 16 वचन। It says, act as free men and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond slaves of God. अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर की दास समझ कर चलो। This was the encouragement to me to, you know, that we are not bound, we are not, we are free, so act as free men. तो इस वचन से मुझे भी प्रोत्साहन मिला कि हम ऐसे बंधन में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। See, religion binds us to do and, you know, it makes us bound, but relationship with God and the true Christian life has got freedom, and he says we act as free men. तो जो धर्म है वो हमें बांध कर रखता है, लेकिन जो मसीह में यीशु मसीह के साथ जो संबंध से जो हमारा जीवन है वो हमें स्वतंत्र करता है, और इसीलिए कहा गया है कि हमें अपना जीवन स्वतंत्र मनुष्य के रूप में जीना चाहिए। So brothers and sisters, we must experience that in this Christian life there is a freedom. तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में ये अनुभव करना चाहिए कि मसीह जीवन में स्वतंत्रता है। But we must realize that the freedom is to do good and to become godly. और ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो हमें भक्ति का जीवन जीने के लिए और परमेश्वर के समान बनने का के लिए हमें स्वतंत्र करता है। So then it says in verse 14, और 14 वचन, it says, for the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So here the apostle is saying that love is so important that, you know, if we have this statement, you shall love your neighbor as yourself, it fulfills the law. तो यहाँ जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब हम अपने पड़ोसी से हम प्रेम रखेंगे तो हम जो है व्यवस्था को पूरा करते हैं। So when God gave the law, even the Ten Commandments, we can say that the first, I think all of us know the Ten Commandments. We may not know it by heart, so I'll just put a screen sharing. Can you all see this? Can you see the screen? Yes or no? ये जो दस yes, brother. Yes, yes, yes. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत में मूसा को 10 नियम दिए, तो वो 10 नियम इधर हमने यहाँ दिखाया है स्क्रीन पर। सो यू सी दैट द फर्स्ट 4 कमांडमेंट्स आर कमांडमेंट्स which pertain to the Lord, to God. तो जो पहले 4 नियम हैं, वो जो है परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है। It is our love to God which makes us obey those 4 commandments. परमेश्वर के प्रति जो हमारे दिल में प्रेम है, वो ही हमें इन 4 नियमों को मानने के लिए हमें विवश करता है। But then the remaining 6 commandments is our love towards our neighbor. और जो बाकी 6 नियम हैं, ये हमें दूसरों के प्रति जो हमारे दिल में प्रेम है, उसके कारण हम उसका उसे निभाते हैं। So the love, our love for God is the cause. जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसी के कारण, वही एक कारण बनता है। And the evidence is that we love our neighbor. और उसका प्रमाण है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। We cannot love our neighbor if we don't love God.
हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रख सकते अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। So when we love God, we will love our neighbor also. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं करते हैं तो हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। So thus the law is fulfilled. तो इस प्रकार जो है हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। Because of love. और इसका कारण क्या है? वो है प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम। So brothers and sisters, love is a very primary part of our Christian life. तो हम देखते हैं कि क्रिस्ती जीवन का एक बहुत ही प्राथमिक बात है प्रेम। We must always focus our life on love. हमारा जो पूरा जो केंद्र बिंदु जो है वो प्रेम ही होना चाहिए। We come out of love even towards one person, then we are missing in our Christian life. तो अगर हम एक व्यक्ति से भी प्रेम से बाहर निकल जाएंगे तो हम उस लक्ष्य से हट जाएंगे। We may say that yeah, but you know they have done something wrong to me and so that's why I am out of love for them, come out of love for them. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे प्रति कुछ बुरा किया है इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं कर सकती। But that is not the way Jesus demonstrated his love. When we were sinners, he loved us. लेकिन यीशु ने ऐसा प्रेम नहीं दर्शाया। उन्होंने जब हम पापी थे तब हमसे प्रेम किया। So we are all known by as Christians because of one thing, by our love for one another. हम ख्रिस्ती इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम है। Okay, and what, how to love our neighbor as ourselves? और कैसे हम अपने पड़ोसी से अपने जैसे ही प्रेम रख सकते हैं? It's not a very easy thing. ये आसान बात नहीं है। What we love to do for ourselves, we must seek to do for the others. जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। Many times is I think about this, you know, the way I am dealing with some others is the way I am dealing with myself. तो मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि क्या मैं दूसरों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा हूँ जैसे कि मैं अपने साथ करता हूँ। So let's look to the Lord for grace to so that we can love our neighbors as ourselves. तो इसीलिए हम परमेश्वर की ओर देखें कि हमारे ऊपर अनुग्रह आए कि हम ऐसा ही बर्ताव करें। We can look to the Holy Spirit to help us to do that. हम पवित्र आत्मा की ओर ताकते रहें कि वो हमें मदद करे। Verse 15, but if you bite and devour one another, take care lest you be consumed by one another. और 15वां वचन, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। So the apostle is not writing to some unbelievers. He is writing to the Galatian churches who are believers. तो हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस ने पत्र लिखा है, उन्होंने ये जो पत्र है गलातियों के जो कलीसिया के सदस्य हैं, उनको लिखा है और कुछ जो अविश्वासी हैं, उनको नहीं लिखा है। So the apostle is comparing about the beasts, you know, animals who come upon each other and start eating up each other. और जो प्रेरित पौलुस है वो जानवरों के तुलना करते हैं से तुलना करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे को काटने और फाड़ने लगते हैं। So wolves and dogs, you know, wolves and dogs are animals who go after sheep and trouble the sheep. हम जानते हैं कि भेड़िये और कुत्ते जो हैं वो भेड़ बकरी के पीछे वो उन पर वो आक्रमण करते हैं। The sheep are scared when they see these animals. और जो बकरी है वो इन जानवरों को देखकर डर जाते हैं। So, but that is natural. That is the behavior of these wolves and dogs. ये तो एक साधारण बात है। ये उनकी प्रवृत्ति है। But we don't see that the sheep are afraid of each other. लेकिन हम ये नहीं देखते कि
जो बकरियां हैं वो एक दूसरे से डरते हैं. दैट इज नॉट नेचुरल. वो जो एक असाधारण बात है. सो ही सेज दैट वी शुड नॉट देयर शुड नॉट बी लाइक अ वुल्फ एटीट्यूड इन अस व्हिच कॉजेस दिस अननेचुरल थिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. तो इसीलिए पॉलुस कहते हैं कि ऐसी एक भेड़िए का जो प्रवृत्ति है, ऐसे हमारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो भय उत्पन्न हो जाए. सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इन इन द गैदरिंग इन द चर्च एंड इन द फैमिलीज इज दैट दैट वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. कई बार ऐसे होता है जब भी हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं या किसी एक परिवार में जो है किसी राय में हमें कुछ फर्क हो जाता है. So he's telling these Galatian churches where there were Jews as well as Gentiles, you're saying that don't fight about this, don't fight and quarrel about circumcision and the law and justification by faith and salvation. Don't keep on quarreling about that. तो गलातियों की जो कलीसिया है वहाँ यहूदी और गैर यहूदी विश्वासी थे. तो इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हें जो है खतना और सर्कमसिशन एंड लॉ एंड जस्टिफिकेशन एंड सल्वेशन और व्यवस्था और धार्मिकता और उद्धार के बारे में एक दूसरे से मतभेद नहीं होना चाहिए. So that's what happens in Christian churches and the Christianity, that you know, some doctrine we can fight over doctrines and etc. तो ऐसे ही होता है कलीसियाओं में. हम देखते हैं कि सिद्धांतों के ऊपर लोग लड़ते झगड़ते हैं. So if it's not a very serious thing or difference of opinion, we must continue to have love instead of quarrel about these things. तो अगर ये जो मतभेद है वो बहुत ही गंभीर बातों पर नहीं है तो फिर हमें एक दूसरे से प्रेम से ही मिलजुल कर हमें रहना चाहिए. Even when there is false doctrine, we don't need to be angry and shout at people. We say I don't believe in that. And be firm and be continue to be loving towards them. अगर हम ऐसे झूठे प्रचार के विरुद्ध हम बोलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उनके प्रति हम नफरत के साथ हम बर्ताव करें. हम ऐसे लोगों के साथ प्रेम के साथ ही हम एक दूसरे से हम के साथ रह सकते हैं. Because finally the fulfilling of the law is only by having love. क्योंकि व्यवस्था तभी पूरी हो सकती है जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं. It doesn't mean that we have to compromise or we have to agree to something which you don't want, but then we don't come out of love for them. अगर हमारे राय में अंतर है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करें और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ें और झगड़ें. हम प्यार में प्रेम से ही सब चीजों को हमें निपट लेना चाहिए. Then it says verse 16, but I say walk by the spirit and you will not carry out the desire of the flesh. और 16वां वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. So because we are born again, the Holy Spirit lives within us. क्योंकि हमने पुनर्जन्म पाया है इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है. We are always to be filled with the Holy Spirit, Ephesians 5:18. और इफिसियों का 5:18 में लिखा है कि हमें हमेशा आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए. So we must seek to act under guidance and influence of the Holy Spirit. और हमें ऐसे हमारी खोज होनी चाहिए कि हम हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं. दो आवर फ्लेश विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी फॉर अस टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट प्लीजिंग गॉड और नॉट गॉडली थिंग. हमारे अंदर जो है हमारी जो शारीरिक प्रवृत्तियां हैं वो
कार्य कर रहे होंगे और बहुत ऐसे कार्यों में वो कार्य करते होंगे जिससे जो शारीरिक बातें बाहर आए. So that we face every day, we face our flesh tells us to do so many things, but when we are seek the guidance of the Holy Spirit, the Spirit has dominion over the flesh. ऐसे बातें होती रहेगी क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमेशा कार्य करता रहता है, लेकिन जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन में करेंगे तो ये सब बातें जो है पवित्र आत्मा के अधीन रहेगा. Verse 17, for the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh, for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ. This is interesting. ये बहुत ही रोचक बात है. And it is very practical in our life. और ये एक बहुत ही प्रायोगिक चीज है हमारे जीवन में. The flesh, the corrupt or the carnal part of us, जो हमारे अंदर जो शरीर जो एक बहुत ही भ्रष्ट चीज है. We will see what the flesh is after some few verses. कुछ वचनों के बाद हम देख सकते हैं कि शरीर क्या क्या कर सकता है. And this flesh lusts, that means it strives and struggles with good force. तो वो यहाँ लिखा है कि शरीर जो है ऐसा लालसा रखता है. लालसा का मतलब है कि वो इतने बहुत शक्ति से वो प्रयत्न करता है. Against, अंदर हमारे शरीर के अंदर वो कार्य कर रहा है. Rise against the spirit. और वो जो कार्य है वो आत्मा के विरुद्ध है. So the spirit impresses upon us so many things, but this flesh is resisting it. जो पवित्र आत्मा है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन उसके विरुद्ध जो है शरीर की लालसाएं जो है वो कार्य करता है. When somebody says something hurting us, the flesh is telling us to give it back. जब कोई हमसे कुछ चोट लगने वाली बात कहते हैं तो हमारा शरीर हमसे कहता है कि बदला लो. The Holy Spirit is guiding us to keep quiet. और पवित्र आत्मा हमें कहता है कि चुप रहो. But the flesh is empowering us and pressurizing us to say something or the other. लेकिन जो हमारे अंदर जो शरीर की लालसाएं हैं वो हमें उत्तेजित करता है कि हम बदला लें. Because as Paul says, in our flesh dwells no good thing. क्योंकि जैसे प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि हमारे शरीर में कुछ भी अच्छी या भली बात नहीं है. But brothers and sisters, we have got a spirit. We have got our own spirit also. लेकिन भाइयों और बहनों हमारे अंदर हमारी खुद की आत्मा भी है. This spirit has been renewed. Earlier it was dead in when we were sinners, but this spirit has been renewed. ये जो आत्मा हमारे अंदर रहती है, हमारे खुद की आत्मा है, वो उसने नवीकरण पाया है. The spirit has been made alive. वो जिंदा किया गया है. And this spirit is now listening to the Holy Spirit. और ये जो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का सुनता है. But the flesh is resisting. लेकिन जो शरीर है वो उसका उसके खिलाफ है. So by a natural thing we want to do what the flesh says, but because the Holy Spirit is helping us to listen to him, we are not doing the things that we would have normally done. जो स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति है वो है कि शरीर की बातों को सुने, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है इसीलिए हम वो बातें नहीं करते जो शरीर हमसे कहता है करने को. Verse 18, but if you are led by the spirit, you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें. See, as long as we are in the world, there will be a struggle between flesh and spirit.
in us. जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक ये आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष होता ही रहेगा. Jesus said the spirit is willing, which means our spirit, our renewed spirit is willing, but the flesh is weak. यीशु मसीह ने कहा कि जो हमारा जो आत्मा है, जो जिस जिस जो नया किया गया है, वो उसमें वो इच्छा है सुनने की, लेकिन हमारी जो शरीर है वो निर्बल है. सो आवर स्पिरिट वांट्स, एक्चुअली वी आर अ स्पिरिट बीइंग. हम जो हैं एक आत्मिक व्यक्ति हैं. वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड हु इज अ स्पिरिट. हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जो आत्मा है. एंड दिस रिन्यूड स्पिरिट विद इन अस डिजायर्स अ गॉडली लाइफ. और जो ये आत्मा है हमारे अंदर, जिसने नवीकरण पाया है, वो भी यही चाहता है कि आत्मा के अनुसार चले. वी वांट टू बी हम्बल, वी वांट टू बी काइंड, एंड वी वांट टू बी पेशेंट. ऑल दिस गुड डिजायर्स आर देयर विद इन अस. हम चाहते हैं कि हम दया दिखाएं, हम धीरज दिखाएं और प्रेम के साथ रहें. सो व्हेन वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, देन वी आर लेड एंड डायरेक्टेड बाय द होली स्पिरिट. जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तब हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए जाते हैं. एंड व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड बिकम्स आवर गाइड. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है. That's why it's very important for us to read the word of God and know the word of God. तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम वचन पढ़ें और उस पर ध्यान करें. Because the Holy Spirit reminds us about the word in our life. क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को याद दिलाता है जो वचन में है. If we are not reading the word of God very much, then that much what do you say, we have that much weakness to listen to the spirit. जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं तब हम कमजोर हो जाते हैं, और जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है उसे हम सुनने में हम कमजोर हो जाते हैं. And then the grace of God helps us to follow the guidance of the Holy Spirit and not to listen to the flesh. और परमेश्वर का जो कृपा और अनुग्रह है वो हमें मदद करता है कि हम शरीर का की ना सुने लेकिन आत्मा की सुने. Such a person, such believers, all of us who walk like that are not under law. तो ऐसे विश्वासी जो ऐसा चलता है वो व्यवस्था के अधीन नहीं है. The law says do this, don't do this, all those things, but this is we are not under some law, some written law. तो व्यवस्था कहती है कि ये करो ये मत करो, ऐसे नियम देता है, लेकिन हम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है. We are only being led by the Holy Spirit. और हम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं. And the law brings condemnation. और जो व्यवस्था है वो हमें दोषी ठहराता है. We are under the law, condemnation will be the result. अगर हम व्यवस्था के अधीन है तो इसका फल है दोषी ठहराया जाना. But if we are guided by the Holy Spirit, we are not under condemnation. लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमें चलाता है तो हम दोष से मुक्त रहेंगे. We must all believe the word which God has given clearly, that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो इसीलिए हमें जो वचन दिया गया है उस पर पूरी तरह विश्वास करना चाहिए कि जो यीशु मसीह में है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं या उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता. टू क्लियर वर्सेस, रोमन्स 8:1 एंड रोमन्स 8:34. रोमियो का के 8 का 1 और 8 का 34. सो नाउ वी विल सी वर्सेस 19-21. और अब हम 19 से 21 वचन तक देखेंगे. Now, this is very important, brothers and sisters. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. Here, from verses 19 to 21,
इट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश और 19 से 21 तक जो शरीर के कार्य हैं वो उसका वर्णन किया गया है. What our flesh can produce is written here. जो भी हमारा शरीर उत्पन्न कर सकता है उसके बारे में लिखा गया है. And we have to watch against these things. और इसके विरुद्ध हमें पहरा रखना है. And we have to put to death when it tries to come. और जब भी वो निकलकर बाहर आता है हमें उसे मार डालना चाहिए. So by the grace of God, none of these things should be in our life. तो परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए. Not that we will not be tempted. ये नहीं कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे. But they should not be able to rule us. लेकिन ये हमारे ऊपर राज नहीं करना चाहिए. So let us look at this what is written. तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, sexual immorality, or fornication, and then the impurity, sensuality. Sensuality, there's another translation called lasciviousness. Then idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, which I forewarn you, just as I forewarned you, that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God. 19 से 21 तक शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं. इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे. So, there are 15 or more items mentioned here. तो यहाँ 15 ऐसी बातें बातों का वर्णन किया गया है. 3 or 4 of them it's regarding breaking the 7th commandment, which is thou shall not commit adultery. और ऐसे 15 बातें बताई गई हैं, उनमें से 3 जो है सातवां जो नियम परमेश्वर ने दिया कि हम व्यभिचार नहीं करना चाहिए उसके अधीन आता है. Brothers and sisters, this is a time in our in this age, and I think even in the time of the apostles, that this these things are prevalent, and in this time it is prevalent quite a lot, and so we have to be on guard on these things. तो हम देखते हैं कि आज के युग में और जब प्रेरितों के युग में भी ये जो बात है, ये जो पाप बहुत ही बहुत दिखाई देता था. So you have the sexual immorality, then we have lasciviousness means trying to, you know, men or women trying to tempt or arouse sexual desire in others. तो यहाँ बताया गया है एक लुचपन. लुचपन का मतलब है कि हम ऐसे बातें करते हैं, कोई आदमी या औरत ऐसे बातें करता है या करती है जिसके द्वारा लैंगिक जो वासनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाए. इट कैन बी इवन थ्रू आवर आईज और थ्रू आवर बिहेवियर दैट वी आर हिंटिंग समथिंग. ये हमारे आँखों के द्वारा भी हो सकता है कि हम अपनी आँखों से कुछ ऐसे सूचना देते हैं. So we have to be on guard not only in the actions but even in our thoughts and in our motives. तो हमें अपने करने में ही नहीं, लेकिन हमें अपने विचारों में और हमारा जो दृष्टिकोण है, इन सब बातों में हमें पहरा देना चाहिए, चौकीदारी करनी चाहिए. Then there is idolatry and witchcraft. और फिर जो है मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है और
टोना फॉर्च्यून टेलिंग एंड मैजिक एंड ऑल दोस थिंग्स और भाग्य के बारे में या भविष्य के बारे में ओके सो दिस आर ऑल वर्क्स ऑफ द फ्लैश ये सब जो है शरीर के काम है देन देयर इज अ sin against the commandment against our neighbors और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे पाप हैं जो हम अपने पड़ोसियों के विरुद्ध करते हैं where we have enmity strife jealousy outbursts of anger disputes divisions तो बैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध फूट विधर्म दाह ये सब जो हैं ऐसे बातें हैं brothers and sisters this quite a number of these things which are written about the flesh even the world knows that it is wrong ye jo baatein likhi gayi hain inme se bahut sari baatein aise hain jo duniya bhi use paap ya galat samajhta hai even unbelievers know that some of these things are wrong jo avishwasi hai wo bhi jante hain ki ye baatein galat hain and the scriptures are the bible shows that all of them are wrong aur vachan kehta hai ki ye sab baatein galat hain okay so then we have to be such that we have to be on watch of them and we must desire just the opposite aur isiliye hai hame in sab baaton ke prati chaukidari karni chahiye aur hamara jo लालसा है वो इसके विपरीत होना चाहिए वी कैन गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रिटन एंड से होली स्पिरिट शो मी इफ देयर इज एनीथिंग इन दैट इन माय लाइफ तो हमें इन बातों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए जो बातें यहाँ लिखी गई है और हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा आप दिखाएं अगर आप प्रकट करें कि मुझ में ऐसे कुछ बातें हैं या नहीं द बाइबल डज नॉट से दैट ओके इफ यू हैव स्लिप्ड एंड फॉलन इन एनी ऑफ देम एनीथिंग यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन तो यहां ऐसा नहीं लिखा है कि अगर हम फिसल के इन बातों में गिर जाते हैं तो स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा बट इफ वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर प्रैक्टिसिंग एंड not bothered about changing our ways then it is a danger that we will not enter the kingdom of heaven lekin ye kaha gaya hai ki hum ek isi baat mein lage rahenge aur hamare andar uske prati nafrat nahi hai aur pashchatap nahi karenge aur aise hi jeene ke liye hum chahte hain to fir hum parmeshwar ke rajya ke waris nahi ho sakte Can we imagine that all these works of the flesh we practice and we can land up in heaven where it's all everybody is loving a godly life? Can these two go together? हम विचार कर सकते हैं कि क्या अगर हम ऐसा जो ऐसे पापों से हम प्रेम रखते हैं और इसकी संगति में हम रहते हैं तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे जहाँ लोग जो है परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और भक्ति का जीवन जिन्होंने जिया है उनके साथ क्या हम संगति में रह पाएंगे अंधकार और प्रकाश का क्या जोड़ है इसमें Then we read in verse 22 and 23 और 23वें और 24वें वचन Something which we must all have it in our life और ये ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं So, this fruits, you know, that each one of them, we must pray and if we can by heart these, so we can remember them daily. तो ये जो फल आत्मा के जो फल लिखा गया है, इसे हमें
याद में रखना चाहिए, अगर हम इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। Says first of all love to God and to one another. सबसे पहला फल है प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। Then there is joy, which is cheerfulness in our conversation with our friends, or joy is a delight in God. और आनंद जो हम जब अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो खुशी से मिलना, और परमेश्वर के साथ भी हम उनके संगति में मगन रहते हैं। It says the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में जो जीवन है वो शांति, धार्मिकता और आनंद। So then peace with God and peace with our conscience. और शांति जिसका मतलब है परमेश्वर के साथ शांति और हमारे विवेक में भी शांति। See, our conscience, if it is not in peace, then there is something which is wrong, which we are in our life. अगर हमारे विवेक में अशांति है तो इसका ये मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ तो गलत है। So we have peace with God, when there is a peace, when our conscience is at peace, we can say we can also be at peace with God. अगर हमारे विवेक में शांति है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ भी शांति में हैं। And peaceable nature, our behavior is a peaceable nature. और हमारा जो शांतिपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। The Bible says about God's servants, they should not be God, the Lord's servant should not be quarrelsome. तो वचन में कहा गया है कि परमेश्वर के दास जो हैं, वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए उन्हें। So we are all serving the Lord. हम सब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। So quarreling, okay, we may have some this thing, but the quarreling and the fighting is something which should not be there in us. लेकिन झगड़ा करना या झगड़ालू प्रवृत्ति होना ये एकदम ठीक बात नहीं है। Then patience, to be patient when you know people treat us in a wrong way. धीरज, जब लोग हमारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते, तभी भी हमें धीरज रखना चाहिए। Gentleness, which is again a sweet nature within us. और सज्जनता, जो एक दूसरों के प्रति एक मिठास से व्यवहार करना, especially towards people whom we consider lower than us. और वो भी ऐसे लोग, ऐसा व्यवहार जो हम अपने आप को, जिनसे ऐसे लोग जो हम उन्हें अपने से कम समझते हैं। Maybe the sweeper in our building. शायद वो एक जो हमारे बिल्डिंग में झाड़ू लगाने वाला हो, वॉचमैन, जो चौकीदार, एंड एनी पर्सन whom we are, whom in the society it is low, when gentleness comes, when we deal with people, this it is easy to be gentle with a rich man. तो जो समाज में जो कम दर्जे के लोग हैं उनके साथ हमें सज्जनता दिखानी चाहिए, जो एक अमीर व्यक्ति है उसके साथ सज्जनता हम आसानी से दिखा सकते हैं। Goodness, to do good as much as we have opportunity to do good to people. और भलाई, जितना भी हमारे वश में है हमें दूसरों के प्रति भलाई दिखाना चाहिए। Kindness, to be kind-hearted. और दया दिखाना। These are all such qualities. Jesus was the kindness of Christ, it says in one of the verses. और एक ऐसा वचन है जहां कहा गया है कि यीशु मसीह का की दया। Faithfulness, that is we say that we will do something and we don't forget about but try to do it. और विश्वास योग्यता, इसका ये मतलब कि जब हम किसी को वचन देते हैं कि हम कुछ बात को करेंगे तो हम उसे निभाते हैं।
एंड देन सेल्फ कंट्रोल विच इज और संयम विच इज दैट यू नो इन फूड एंड ड्रिंक एंड अदर थिंग्स यू नो वॉचिंग सम एंटरटेनमेंट ऑल दैट थिंग दैट वी नीड दैट सेल्फ कंट्रोल संयम संयम जो है भोजन के प्रति और फूड फूड ड्रिंक एंड देन एंजॉयमेंट एंड मनोरंजन कुछ भी ऐसे चीजें जो हम देखते हैं उन सब बातों में हमें संयम निभाना चाहिए सो ब्रदर्स वी आर नॉट सेइंग दैट एनीवन ऑफ अस इज रीच्ड एनी प्लेस और वी आर परफेक्ट हम ये नहीं कहते कि हम उस दर्जे तक पहुंच गए हैं या हम सिद्ध हैं आई नो फॉर माय सेल्फ दैट आई लैक इन सो मेनी ऑफ दिस थिंग्स मैं खुद जानता हूं कि मैं इन सब बातों में बहुत अभाव है मेरे जीवन में बट इट इज माय डेली प्रेयर दैट आई वांट दिस थिंग्स लेकिन मेरी प्रार्थना है हर रोज कि मैं यहां तक पहुंच पाऊं बट आई डोंट वांट दैट वर्सेस वर्सेस 19 टू 21 आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट लेकिन 19 से 21 तक जो वचन है इनमें से कोई भी बात मुझे अपने जीवन में स्थान नहीं देना है आई वांट व्हाट इज देयर इन 22 एंड 23 जो 22 और 23 में लिखा गया है इन सब चीजों को मैं अपने जीवन में चाहता हूं गॉड गॉड हु लव्स अस एंड गॉड हु इज डूइंग द वर्क इन ईच वन ऑफ अस विल हेल्प अस जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं वो इन सब बातों में हमारे मदद करने के लिए तैयार है बिकॉज़ ही इज द वन हु इज एट वर्क इन अस क्योंकि वही है जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है ही इज द वन हु स्टार्टेड द वर्क एंड ही इज द वन हु विल कंप्लीट द वर्क उन्होंने ही ये जो कार्य है हमारे अंदर शुरू किया है और वही उसे खत्म भी करेंगे एंड वी आर नॉट अंडर लॉ टू कीप एनी ऑफ दीस थिंग्स और हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि हम इन सब बातों का पालन करें यू आर नॉट गोइंग बाय द लॉ टुडे आई शुड बी काइंड टुडे आई शुड बी व्हाट डू यू से पेशेंट no I want all of them and God is working in me both to will and to do of his good pleasure पर हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि आज मुझे दया दिखाना है आज मुझे विश्वास योग्यता दिखाना है प्रेम दिखाना है ऐसी बात नहीं लेकिन परमेश्वर जो है हमारे भीतर वो काम कर रहे हैं और इस कारण हम में ये फल आ सकते हैं So brothers and sisters, we'll stop here and the next Saturday what we'll do is the remaining only three verses are there we'll just finish that and then we will have a revision of this chapter 5 aur aaj hum yahin tak adhyayan karenge aur pichle agle hafte hum jo baki jo teen vachan hai उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है जो भी हमने आज पांचवा अध्याय में पांचवा अध्याय हमने अध्ययन किया है जो पूरा पांचवा अध्याय उसका हम पुनर अध्याय अध्ययन करेंगे सो